प्रधानाचार्य पर लगे बदसलूकी सहित कई आरोप बीएसए ने तत्काल किया निलंबित। बचाव में आए ग्राम प्रधान सहित विद्यालय के अध्यापक, स्कूल की रसोईया ने लगाए थे आरोप, की जांच रही है। मामले की निष्पक्ष जांच बीएसए जिला प्रतापगढ़ लालगंज से मेयर राज अहमद। प्रतापगढ़ जिले के बाबा गमनज विकास खंड क्षेत्र पुरैनी प्राथमिक विद्यालय का है ये मामला। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला बेटवा का काका जी अदरख रही है और वो काका जी मने छीलन धरे रही है, छीलन धरे रही, वही पर धरे दे रहे पन्नी माँ जानता। हम जानते नहीं रहे की नौका काका जी हमका ये सब किया था, हमने ना हाथे में पाए नौका काका जी जेबों में पाए ना कुछ नहीं, और वही छिलिया के वही छिलने में धरे रहे, वही छिलने से ये लाई रहे हैं और दिखावे लागे हैं। ये इतना हमारे जो गलती हुई बाबू, इनके हाथ जोड़ा गोड़े गिरा सब कुछ कह दिए हैं, तब ये हमारी गलती नहीं। मैंने हमका धक्का मार के वहां हमारे पास यहाँ आए हैं, एक दिन आवा तब वो यहाँ आए हैं, फिर आवा दोबारा तो ऐसे हाथ है कैसे ठेल दे हैं बाबू हमका। कितने सालों से आप काम कर रही हैं? अरे भैया हम ढेर दिन से करते ही बाबू, जब से विद्या मिल जाए पहली नियुक्ति इन्हीं की। क्या नाम है आपका? दुलारी। दुलारी, अच्छा ये बताइए यहाँ क्या करती हैं आप? यहाँ भैया खाना बनाती हैं। खाना बनाती हैं? हाँ। कितने लोग बनाती हैं? दो जने। दो लोग बनाती हैं? हाँ। उनका क्या नाम है? धीमाई। अच्छा हाँ। ये आरोप जो लगा है मास्टर साहब के ऊपर, हाँ। क्या मामला है? ये अदरक ले लिए रही है। कौन ले लिया था? वही धरे रही छोकला पे ले रही। हाँ तो अच्छा मास्टर साहब, अच्छा आरोप लगा है कि टमाटर चोरी करके ले जा रही थी। टमाटर तो या फेरी पकड़े वो हम नहीं जाने, रखता घरे रहेंगे वो हम नहीं देखा टमाटर पाए। अच्छा मतलब मास्टर साहब ने उन पर आरोप लगाया था पहले भी इसके, टमाटर चोरी का? टमाटर ले गए तो अभी फैलता है टमाटर। अच्छा क्या लगता है जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या झूठे हैं? अब हम जब देखे ये बताओ नहीं, आपको क्या लगता है कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है? अब सच्चाई यही आती है कि अब तरह चार गांव में गए जिंदा मचाता हमारी गिरफ्तार है। कौन मारी गया? जब सगल मने आवत है सब दिन तो कौन भाई हमारी गिरफ्तार है। हाँ अच्छा आपके ऊपर आरोप नहीं लगा कभी? आपके ऊपर आरोप कभी नहीं लगा? नहीं हम कभी ऐसे नहीं लगा, कभी ना हम हजार खाए हुए हम कभी कुछ नहीं ठीक। क्या नाम है आपका? अच्छा ये किस पद पे हैं आप यहाँ पे? जो आरोप लगे हैं मास्टर साहब के ऊपर क्या मामला है और इसमें कितनी सच्चाई है, कुछ जानकारी है? नहीं आरोप तो गलत है जो लगे हैं, सरासर गलत है। जी जी मतलब जो जो रसोईयां ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि टमाटर चोरी करके ले जाते समय हमको धक्का दिया गया और भी हमारे साथ अभद्रता या और भी दुर्व्यवहार किया गया, इस प्रकार के जो आरोप लगे हैं क्या वो उसमें सत्यता है? नहीं सत्यता नहीं है, उनको यहाँ से मतलब रसोईया से निकाल दिया गया है। तो बाकी ये जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। अच्छा ये जो निकालने की प्रक्रिया है ये क्यों निकाला गया और कब निकाला गया है? डेट तो हमको सही से याद नहीं है, बाकी अदरक साथ ले काटे हुए पकड़े गए जी 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 हम लोग वहाँ थे भी नहीं जब निकाले। अच्छा क्या कुछ चर्चाएं रही हैं कि इसके पूर्व भी इस रसोईया के ऊपर जो है आरोप लगे हैं विद्यालय प्रबंधन की तरफ से? आप नहीं हमारी नहीं हुए। अच्छा अच्छा जी, बहुत घर कहाँ है आपका? घर हमारा बुद्धि जी जी सर जी। क्या नाम है और किस पद पे यहाँ पे हैं आप? मेरा नाम बनवारी लाल, प्राथमिक विद्यालय पुरैनी मध्यम को शिक्षा जी। सर ये जो आरोप लगे हैं क्या उसमें सच्चाई है जो रसोईया ने लगाया है और भी जो आरोप लगे हैं उसमें क्या? जो रसोईया ने लगाया है बेबुनियाद है, उसमें कोई सत्यता नहीं है जी। और रही बात उनको बाहर करने की, उनको हेडमास्टर साहब चेक किए और उनके खाना बना रहे थे, उनके
जो रखे थे उसमें थोड़ा अदरक और कुछ सब सामान मिला सर, उसी चोरी के जुर्म में सब लिया गया। एक एक ही दिन लेके गई थी सामान को कि नहीं, आए दिन? पहले भी बात हो चुकी है, आए दिन मतलब वो सामान लेके जाती रहती है, पहले सर हो चुका है। ये एक आरोप और भी लगे हैं कि अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन मास्टर द्वारा नहीं किया जाता है, इसमें क्या सत्यता है? नहीं सर, आते तो हैं हेडमास्टर साहब, आते हैं सर। जी 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 जी, चलिए विद्यालय आते हैं सर। ये आचरण को भी लेकर के कुछ सवाल उठे थे जी, उस पर क्या कहना है सर? आचरण हम लोगों के यहाँ विद्यालय में तो आचरण सही है सर, कोई दिक्कत नहीं जी, हम लोगों के साथ सही व्यवहार किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है? बच्चों के साथ सर पूरा किताब व्यवहार जैसे। और यहाँ पे जो रसोइयाँ हैं रही हैं या हैं, उनके साथ क्या कैसा व्यवहार? सर रसोइयों के साथ व्यवहारता नहीं मिल जाती है एकदम सही सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत। भोजन बनाने को लेकर के कभी कोई विवाद हुआ या कभी ऐसा कुछ लगा कि भोजन में कुछ कमियां रही हैं? नहीं सर, भोजन में कमियां नहीं आते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आरोप बेबुनियाद झूठा ऐसे कहा गया, कोई उसमें वो नहीं है सत्यता। विशेष आप द्वारा निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है, इस पर क्या जी? थोड़ा उनको हेडमास्टर साहब ने उसमें रोके हैं बस सर, उसको कुछ न मारे हैं न पीते हैं जी जी। ठीक, सर एक बाबागंज ब्लॉक क्षेत्र में ही पुरैली प्राथमिक विद्यालय पड़ता है, जहां पर अभी कुछ दिनों पहले एक आरोप लगे थे प्रधानाचार्य पर, जिस पर निलंबन की कार्रवाई सर आपके द्वारा की गई है, तो इस पर सर क्या कहना है? जबकि वहां के ग्राम प्रधान का कहना है और कुछ अध्यापक जो पढ़ाते हैं उनका कहना है कि सर ये निराधार आरोप है। अब ग्राम प्रधान और निराधार से मिले, जबकि मेरे पास जो शिकायत आई सोशल मीडिया पर भी आई, उसकी मैंने तत्काल जांच की, प्रथम दृष्टया वह मामला सही पाया गया, इसलिए मैंने वो निलंबित किया है वहाँ पर और इसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया है। अब जांच में अगर ये पुष्टित नहीं होता है तो उनको तत्काल बहाल भी किया जाएगा, लेकिन एक अध्यापक की गरिमा के विरुद्ध अगर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो ये ठीक नहीं है। शासन की प्रतिबद्धता है कि विद्यालय में सही समय पर टीचर जाएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, और उसके लिए और शासन की नीति है कि हमारे द्वारा भी कोई कार्य किया जाए तो पारदर्शी तरीके से किया जाए। जब शासन की नीतियों के अनुसार पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत सबकी पोस्टिंग और सभी चीज़ उनके अगर छुट्टियां अवकाश दे है वो दिया जा रहा है, तो फिर इनका जो दायित्व है उसका निर्वहन इनको करना पड़ेगा। अगर निर्वहन में कहीं किसी भी प्रकार की कोई चूक पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धन्यवाद सर।